हेलो फ्रेंड्स, अलका वेस्ट किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न भजिया, जो बहुत टेस्टी है, साथ में अंदर से इतने सॉफ्ट और बाहर से बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आइए इसे बनाना शुरू करें। कॉर्न पकौड़ा बनाने के लिए मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है, जिसकी लिस्ट मैं आपको रेसिपी के अंत में दे रही हूँ। तो कॉर्न पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले इसका बैटर तैयार करते हैं। बैटर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप कॉर्न, जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। बड़ी वाली ग्रेटर से ही हमें ग्रेट करना है, ताकि हमारे पकौड़े अंदर से क्रिस्पी बने। साथ में डालेंगे 1/4 कप बारीक कटा हरा धनिया, 1/4 कप बारीक कटा हुआ स्पिनेच, 1/2 टेबल स्पून जितना जिंजर पेस्ट, साथ में ही बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर, जिससे हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, 1/2 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जितना सॉल्ट। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून साबुत धनिया, धनिया को हम हाथ से क्रश करके ही डालेंगे, पिंच ऑफ अजवाइन, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स जो कि टोटली ऑप्शनल है, मरी जिसे मैंने 1/2 क्रश करके लिया है, स्पिंच ऑफ हींग। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कप बेसन, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करते वक्त इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा ना हो जाए। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें ठीक इसी तरह की रखनी है। अगर पानी ज़्यादा हो भी जाता है तो हमें एक्स्ट्रा बेसन डाल के कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अब इसमें डालेंगे स्पिंच ऑफ कुकिंग सोडा, इसके ऊपर डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून जितना नींबू का रस। फटाफट अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे पकौड़े बिल्कुल क्रिस्पी और सॉफ्ट बने। इस साइड मैंने एक पैन में मैंने कुकिंग ऑयल प्रीहीटिंग के लिए रख दिया था, जो इनफ गर्म है, तो अब इसमें पकौड़े रख देंगे। इस पकोड़े फ्राई करने के लिए तेल हमें मीडियम में गर्म करना है। अगर हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो पकोड़े अंदर से कच्चे रह सकते हैं और बाहरी जो लेयर है वो लाल हो जाता है, और अगर हमारा कुकिंग ऑयल कम गर्म रहा तो पकोड़े ऑयल एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो हमें ऑयल को मीडियम गर्म करके ही पकोड़े को फ्राई करना है। रिक्वायरमेंट के अनुसार स्टोव की फ्लेम फास्ट या स्लो करके इस पकोड़े को फ्राई करना है। अब हमारे पकोड़े बाहर से लाइट ब्राउनिश दिख रहा है, तो इसे निकाल लेते हैं। सेम वे हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। इसे देखते ही पता चल जाता है कि बाहर से कितने क्रंची और अंदर से सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स, इस बारिश के मौसम में आप भी इस तरह से बनाए पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं, सबको बहुत ही पसंद आएंगे। साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।